शहर से कहीं दूर पहाड़ों वाली राइड और वहाँ के वाइब्स को फील करना कभी ना कभी आपने भी जरूर सोचा होगा। और उसी वाइब्स को जीने के लिए हमने भी हमारी ऊटी की पहाड़ों वाली लॉन्ग राइड को प्लान कर लिया। Enjoy and experience our Ooty trip in this travel vlog series. Here is Anurag and Bhavna taking you through the beautiful journey of Ooty. समय के बच गए हैं 8 और हम केंगरी जा रहे हैं। फर्स्ट फ्रॉम टॉल प्लाजा विल गो टू केंगरी और उधर से हम लोग ऊटी की तरफ निकले। फर्स्ट मैसूर जाएंगे और उधर से ऊटी। मौसम धूप तो निकल चुकी है बट थोड़ी थोड़ी ठंड है अभी भी और वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज यू नो थोड़ा लंबा राइड है। थोड़ी टेंशन भी है कि ठीक से वहाँ पहुँच जाएँ हम लोग साथ। रोड ना बहुत बढ़िया है, यहाँ पे बाइक चलाने का अलग ही मज़ा है इस रोड में। थोड़ा हम लेट से निकले घर से, ये एक दिक्कत है। जो भी बोलो राइड में मज़ा आ रहा है एंड होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को प्लीज़। तो चलो अभी कैमरा बंद करते हैं और जल्दी जल्दी निकलते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हैं। कहते हैं ना कि सफर कितना ही लंबा क्यों ना हो, अगर हम सफर साथ हो तो हर मंजिल आसान लगती है। सो गाइज वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड 192 किलोमीटर एंड क्रॉस्ड मैसूर ऑल्सो। फीलिंग बिट टायर्ड बट विल हैव वन मॉन्स्टर डिंग। सन हैज कम अप एंड वी आर फीलिंग बिट वार्म बट इट्स ओके, वी कैन कंटिन्यू राइडिंग दिस वे। एंड हियर कम्स द मॉन्स्टर, द मस्ट गो टू ड्रिंक फॉर एवरी राइडर। मैं तो नहीं थका हूँ बट भावना पूरी तरह से थक चुकी है। आफ्टर क्रॉसिंग मैसूर यू कैन फाइंड मेनी कोकोनट एंड वाटरमेलन स्टॉल्स ऑन द वे वेयर यू कैन स्टॉप फॉर द रिफ्रेशमेंट। सो यू विल गेट वेरी फ्रेश कोकोनट एंड वाटरमेलन एंड प्राइजेस आर ऑल्सो रीजनेबल if you compare it with the city price. Finally, after our refreshments, we entered Bandipur Forest. The weather of this place changes from time to time. Sometimes it's bright sunny, sometimes it rains, sometimes it's cloudy. This mostly happens due to the dense forest which is covered all around this region. Bandipur National Park has the second largest tiger reserve in India. This road remains closed during night from 9 p.m. to 6 a.m. This is mainly to avoid the accidents of wild animals in the forest, as many cases have been found in the past of wild animals being killed by vehicles. Adventurous ride through the Bandipur forest, we entered Tamil Nadu at this checkpoint. As a nature concern,
forest officials here will ask you to dispose your plastic bottles. So make sure to carry your steel or glass water bottles on your trip. Mudumalai National Park in the Nilgiri Mountains in Tamil Nadu shares boundary with other two states of Karnataka and Kerala. This park has been a part of the Nilgiri Biosphere Reserve since 1986 and is also declared a tiger reserve. Our ride became more exciting when we came across many herds of deers, peacock, and a number of monkeys on the way. The panoramic views of this forest were simply mesmerizing. And I'm sure you won't be able to skip the scenic beauty from here. Later. भाई यहाँ पे ना गाड़ी चलाने का अलग ही मजा आ रहा है. चारों तरफ पेड़ और नेचर के बीच में जो ये ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना, डेफिनेटली आपको भी ट्राई करना चाहिए इधर आके. हम लोग भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और बने रहना वीडियो पे और देखना आगे और दिखाते हैं कि आगे क्या क्या होता है. दोस्तों भी आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा. जंगल वाली एडवेंचरस राइड को कंप्लीट करके अब हम पहुंच चुके थे ऊटी की वादियों के बहुत करीब और यहां के जो नज़ारे थे वो कुछ ऐसे थे. And you know what is this eucalyptus famous for? I guess you all might have heard of the new eucalyptus oil. This is sugary. These trees are mostly used in the making of oils and, you know, medicines for cough and cold. And the leaves of these trees are too poisonous. This is completely a different experience. I have never been to such a beautiful tree plantation or a forest. All our eucalyptus, what you can see. I'm just mesmerized with the views of this long, big, big trees. दोस्तों इस इक्लिप्टस ट्री फॉरेस्ट को विल्सन प्लांटेशन के भी नाम से जाना जाता है और कहते हैं किसी विल्सन नाम के फॉरेस्ट ऑफिसर ने इसे 1900s के मिड में फायरवुड के लिए लगवाया था. इस अद्भुत लंबे लंबे आसमान को छूते पेड़ों के बीच से गुजरते हुए आपको ऐसा लगेगा मानो कि आपके ऊपर किसी ने लाल रंग की बड़ी वाली छतरी लगा दी हो. वैसे तो इकलिप्टस ट्री प्लांटेशन
और इक्लिप्टस फॉरेस्ट ऑस्ट्रेलिया में मेजरली पाए जाते हैं, बट इंडिया में साउथ के तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ों पे होने के कारण इसे नीलगिरी ट्रीज के भी नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अभी हम एक छोटे से टी ब्रेक के लिए रुके हैं। यहाँ पे एक टी और कॉफ़ी शॉप है। रास्ते में हमने एक डिफरेंट रूट ले लिया, एक्चुअली वो पूरा घाटी से भरा हुआ है, बट मज़ा बहुत आ रहा है एंड जो व्यू है ना बहुत अच्छा और वेदर काफ़ी कूल है। ऑल्दो सन है फिर भी वो फीलिंग सो कोल्ड हियर लाइक बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट एक्चुअली। सो इट्स वेरी नाइस एक्सपीरियंस टिल नाउ, सो कीप वॉचिंग। गाइस आप देख सकते हो ये टेरेस प्लांटेशन कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, एंड यू नो व्हाट, दिस होल ऑफ दिस प्लांट्स विच यू कैन सी नो, दिस इज द प्लांटेशन ऑफ कैरेट्स, द फेमस ऊटी कैरेट्स। ये गाजर की खेती है ऑन दिस प्लांटेशन, एंड ऑन दैट पार्ट दिस यू कैन सी दैट्स द टी प्लांटेशन ओवर देयर, एंड होल ऑफ दिस, ये जो पूरी एरिया है ये पूरी गाजर से भरी हुई है एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। फाइनली आफ्टर द 9 hour लॉन्ग सीनिक जर्नी वी हैव रीच्ड ऊटी एट अराउंड 5 PM। गाइस वी आर फाइनली एट आवर होटल अरोरा लाइट रेसिडेंसी एंड इट इज सिचुएटेड इन एल्क हिल एरिया व्हिच इज नियर टू द कमर्शियल स्ट्रीट ऑफ ऊटी एंड आल्सो नियर टू द सिटी। So let's get inside and check out the room. I believe it would be nice as it was there in the photos. So guys, this is the room which we have booked. It is Aurora Residency and it has got some views. Small one but it's pretty good. There's a mirror over here. And then there's a TV, some wall painting, and storage area. There's a window this side also. I think there is also view. No? Okay. And this is the washroom space. So room का जो view है ना काफी बढ़िया है और सारी details मैं आपको अपने description box में डाल दूंगा, जिससे कि आप भी यहाँ आके रूम बुक कर सकते हो। सो ये डिलक्स रूम है जहाँ पे आप व्यू वाला रूम मिलता है आपको और काफ़ी कॉस्ट अफोर्डेबल है ये रूम। सो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा, गो आईबीबो पे इसका रेटिंग बहुत ही अच्छा है, तो हमने भी वही देख के बुक किया था और इट्स अ वेरी नीट एंड क्लीन रूम विद अ वेरी गुड व्यू। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दो।